ऑल राइट, तो इस वीडियो के अंदर भी जो हिप हॉप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं तुम सभी को देना चाहूंगा। तो सबसे पहली जो अपडेट्स निकल के आ रही है वो है बेला से रिलेटेड। वेल, तो गाइस अभी के टाइम पे जो बेला का एक रील जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर जो है हनी पाजी एंड डिवाइन के बारे में बात कर रहे हैं बेला। दुनिया पता क्या है मेरे भाई, कल तक हनी सिंह था, आज हनी सिंह पाजी हो गए, कल डिवाइन था, आज डिवाइन भाई हो गए। ओके, तो बात करें यहाँ पे अगले अपडेट्स के बारे में, तो वो है हिडजोन से रिलेटेड। तो रिसेंटली जो भाई ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो एक पोस्ट करा है, जिसके कैप्शन में कुछ ऐसा लिखा है, यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक बड़ा ही नीच गाना बनाया है मैंने, डाल दूं। बाकी के यार कौन कौन चाहते हो कि हिडजोन का एक नया ट्रैक हमें बहुत जल्द सुनने को मिले, कमेंट करके जरूर से बताना। बात करें यहाँ पे अगले अपडेट्स के बारे में, तो वो है सोलेना से रिलेटेड। वेल, तो गाइस यार सोलेना की तरफ से हमें एक पोस्टर देखने को मिला है और ये ट्रैक ड्रॉप होने वाला है संडे को और ट्रैक का नाम होने वाला है दूरिया। वेल, तो यार तुम सभी को पता है कि यार ये ट्रैक भी ड्रॉप होने वाला है बंटा रिकॉर्ड्स में, तो भाई रेडी रहना। वेल, तो बात करें यहाँ पे अगले अपडेट्स के बारे में, तो वह रफ्तार से रिलेटेड। एंड रफ्तार ने जो भाई जो सिक चिली आया था एक ट्रैक जो कि एमवी बंटाई के ऊपर डिस था, वो ट्रैक के बारे में कुछ बोला है भाई ने, वो तुम यहाँ पे देख लो। बीट का फाइनल सब कुछ ढूंढने में 15 मिनट, लिखने में कोई यही कोई 15-17 मिनट एट मैक्स, और उसके बाद सीधा रिकॉर्डिंग पे चला गया। सर कुल मिला के बात है कि भाई जो एमवी बंटाई के ऊपर जो डिस था उसे लिखने के लिए 15 या फिर 17 मिनट के अंदर जो भाई लिखना भी हो गया था और बीट जो सिलेक्शन है वो भी हो गया था। बाकी यार इसके बारे में तुमको क्या कुछ बोलना है वो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो।